नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनम जीएनएम भर्ती 2018 की। जी हाँ दोस्तों, जामिया उर्दू अलीगढ़ मामले को लेकर जो सुनवाई थी वो यहाँ पर 27 जनवरी को हुई और उसमें क्या यहाँ पर डिसीजन दिया है वो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हाई कोर्ट की साइट पर विजिट करते हैं। जैसे ही हाई कोर्ट की साइट ओपन होती है तो अपन केस स्टेटस जयपुर और हाई कोर्ट सर्वर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हाई कोर्ट सर्वर पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक नई विंडो अपने पास ओपन होगी। केस रजिस्ट्रेशन नंबर है अपने पास, तो केस रजिस्ट्रेशन नंबर से हम जो अपना केस है जामिया उर्दू अलीगढ़ का उसका यहाँ पर सर्च करते हैं। 208 डेटा यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जो अपना केस है संगीता कुमारी का उस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से, तो नई विंडो अपने पास यहाँ पर ओपन होगी। दोस्तों इस प्रकार से जो पेटिशनर के जो एडवोकेट हैं वो संजय मेला। इसके अलावा यहाँ पर 27 जनवरी को कोर्ट नंबर 7 डेली केसेस के रूप में इसकी सुनवाई हुई और माननीय जज साहब संजीव प्रकाश जी शर्मा की अदालत ने क्या आदेश दिए हैं आइए जान लेते हैं। यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है आदेश, तो दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर क्या आदेश यहाँ पर जजमेंट है जो यहाँ पर जारी किया है माननीय हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने। जी हाँ दोस्तों, संगीता कुमारी डॉटर ऑफ बुद्राम वाइफ ऑफ विक्रम पेटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार। इसके अलावा जो कनेक्टेड रिट याचिकाएं हैं उनकी भी सुनवाई हुई। टोटल 19 पेजेस का यहाँ पर जो है ऑर्डर और जजमेंट जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो जजमेंट है वो जारी कर दिया। लगभग एक दर्जन से अधिक जो रिट याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई यहाँ पर हुई। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पेटिशनर की तरफ से काफी जो एडवोकेट्स का पैनल है वो उपस्थित हुए। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी जो एडवोकेट जनरल थे वो यहाँ पर उपस्थित होने थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों काफी संख्या में जो रिट याचिकाएं हैं उनकी यहाँ पर सुनवाई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेटिशनर काफी सारे पेटिशनर हैं और जामिया उर्दू अलीगढ़ मामले की सुनवाई पेटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट संजय मेहला हिमांशु जैन उपस्थित हुए। इसके अलावा सरकार की तरफ से डॉक्टर वीबी शर्मा जो डबल एजी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए। ऑनरेबल जस्टिस संजीव प्रकाश जी शर्मा की अदालत ने यहाँ पर आदेश दिए हैं 27 जनवरी को लिस्ट दीज केसेस अगेन ऑन 1 फरवरी 2021 आफ्टर शोइंग द नेम ऑफ मिस्टर माधव मित्रा एडवोकेट इन द कोज लिस्ट एज द काउंसलिंग फॉर द रिस्पोंडेंट। टेक दीज रिट पेटिशन अलोंग विद सिविल रिट पेटिशन नंबर 1900/2020 2175/2020 एंड 1841/2020। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। अब इस केस की जो सुनवाई है वो 1 फरवरी को होगी। जामिया उर्दू अलीगढ़ का जो मामला था उसकी यहाँ पर सुनवाई होनी थी 27 जनवरी को सुनवाई हुई और यहाँ पर इस केस को वापस से 1 फरवरी को सुनवाई जाने का यहाँ पर आदेश जो है संजीव प्रकाश जी शर्मा की अदालत ने यहाँ पर जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 फरवरी को इस केस को लिस्ट करने के लिए बोला गया है और इसके अलावा माधव मित्र जो हैं उनका एडवोकेट जो एडवोकेट है इनको कोज लिस्ट में काउंसलर सरकार की तरफ से काउंसलर के माध्यम से यहाँ पर जो है उपस्थित होने के लिए कोज लिस्ट में नाम इनका डाला जाए। इसके अलावा जो 3 रिट याचिकाएं हैं 1900/1841 और 2175 जो है उनको भी यहाँ पर इस रिट याचिका के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला है। जान लेते हैं कौन कौन सी रिट याचिकाएं हैं, स्टेटस का भी यहाँ पर अपन जो है देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिट याचिकाएं हैं वो 1900/2020 सर्च कर लेते हैं। 1900 कौन सी जो रिट याचिकाएं हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 1900/2020 अपने को यहाँ पर जजमेंट में बताया बबीता कुमारी डॉटर ऑफ श्री बदन सिंह वाइफ ऑफ अशोक कुमार की यहाँ पर जो रिट याचिका है इनकी भी यहाँ पर सुनवाई होगी। 1 फरवरी को यहाँ पर सुनवाई होगी। इनकी भी आप देख सकते हैं 27 को सुनवाई हुई दिल्ली कोर्ट नंबर 7 में। साथ ही 27 का जो जजमेंट है उसको भी यहाँ पर अटैच कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं पेटिशनर की तरफ से संजीव मेहला उपस्थित हुए। आप देख सकते हैं लिस्ट दिस केसेस अगेन ऑन 1 फरवरी अलोंग विद सिविल रिट पेटिशन संख्या 1545 एंड कनेक्टेड मैटर्स के साथ में इनको भी यहां पर शामिल किया गया। इसके अलावा अपन देख लेते हैं अन्य जो रिट याचिकाएं हैं लगभग 2175 जो 2175 नंबर की जो रिट याचिकाएं हैं उसका भी स्टेटस यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों 2175 जो रिट याचिका नंबर है
उसका भी यहाँ पर अपन जान लेते हैं। सर्च करते हैं तो 161 टोटल जो रिकॉर्ड है वो फाइंड होते हैं। 2175 कमला डॉटर ऑफ श्री जगनाराम वाइफ ऑफ श्री महेंद्र सिंह की जो रिट याचिका है उनकी भी सुनवाई यहाँ पर दिल्ली कोर्ट नंबर 7 में हुई, आप जैसा कि देख सकते हैं। साथ ही जो जजमेंट है वो भी यहाँ पर जारी किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनके जो भी पेटिशनर के जो भी एडवोकेट थे वो संजीव प्रकाश, वो संजय जी मेला थे, जस्टिस संजीव प्रकाश जी शर्मा की अदालत ने यहाँ पर आदेश दिया है। और साथ ही जो इस केस को भी यहाँ पर जो सीवी रिट पेटिशन संख्या 1545 के साथ यहाँ पर जो 1 फरवरी को सुनने की यहाँ पर जो जजमेंट है वो यहाँ पर जारी किया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो रिट याचिका है 1841 उसका भी जो है 1841 को भी अपन सर्च कर लेते हैं। ये भी जामिया उर्दू अलीगढ़ के मामले की लोगों लेकर जो सुनवाई है वो यहाँ पर है 1841, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो इसकी भी जो सुनवाई है दिल्ली कोर्ट नंबर 7 में 27 जनवरी को हुई और यहाँ पर जो है वो जजमेंट जारी किया गया है। जजमेंट जो जारी यहाँ पर किया गया है कि इस जो रिट याचिका है उसको भी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1545 के साथ सुना जाए और 1 फरवरी को इसकी जो है हियरिंग होगी, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, जो केस था जामिया उर्दू अलीगढ़ मामले को लेकर उसकी सुनवाई यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में हुई। जस्टिस संजीव प्रकाश जी शर्मा की अदालत ने यहां पर आदेश जारी किया कि इस केस को वापस से 1 फरवरी को लिस्ट किया जाए और जो एडवोकेट है मिस्टर माधव मित्रा उनको काउंसल का नाम इनको कोज लिस्ट में डाला जाए रिस्पोंडेंट की तरफ से। साथ ही जो रिट याचिकाएं हैं 1900/2020, 2175/2020 और 1841/2020 को भी इस रिट याचिका के साथ सुना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं 1841/2020 भारती चंद्रा डॉटर ऑफ फूलचंद, इसके अलावा 2175 कमला डॉटर ऑफ श्री जगनाराम वाइफ ऑफ श्री महेंद्र सिंह, इसके अलावा सिविल रिट पिटीशन संख्या 1900 बबीता कुमारी डॉटर ऑफ श्री बदन सिंह वाइफ ऑफ अशोक कुमार की रिट याचिका को भी, जो रिट याचिका है 1545 संगीता कुमारी बनाम राजस्थान सरकार का जो मामला है उसके साथ सुना जाए और इस केस को भी 1 फरवरी को यहाँ पर लिस्ट किया जाए। यानी कि दोस्तों मैं बता दूं जितने भी जो केसेस हैं जामिया उर्दू अलीगढ़ मामले को लेकर उनकी कंबाइंड सुनवाई होगी 1 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत 1 फरवरी को इसकी जो सुनवाई है वो करने जा रही है। दोस्तों अभी तक कोई भी यहाँ पर निर्णय नहीं हुआ है, 1 फरवरी को फिर इसको सुना जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर दे लाइक शेयर कमेंट और आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।